बाबा महाकाल की श्रावण माह की दूसरी सवारी के दौरान थूकने और कुल्ला कर पानी फेंकने वाले बालिग आरोपी अदनान मंसूरी का अवैध मकान तोड़ने के लिए बुधवार सुबह नगर निगम का अमला और पुलिस फोर्स ढोल बजाकर पहुंच गई। पुलिस जैसे ही टंकी चौक स्थित सुपर गोल्ड बेकरी के पास स्थित आरोपी का मकान तोड़ने के लिए पहुंची तो वहां रह रहे लोगों ने सामान निकालने के लिए पहले समय मांगा और जिसके बाद जेसीबी की मदद से सामान बाहर निकाला गया। इसके बाद मकान को तोड़ने की कार्रवाई कर दी गई। दरअसल सोमवार शाम करीब 6:30 बजे भगवान महाकाल की सवारी टंकी चौराहा आने लगी, तभी सुपर गोल्ड बेकरी के पास की बिल्डिंग की छत से अदनान मंसूरी और दो नाबालिग थूकने लगे। इस दौरान मासूम जेसवाल नामक एक युवक ने अपने मोबाइल से इसका वीडियो बना लिया। इस मामले में सावन पिता सुनील लोट निवासी विक्रम व्यायामशाला के पास भैरवगढ़ नाका चौराहा ने खाराकुआ थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दो नाबालिगों को बाल संप्रेषण गृह और एक आरोपी को जेल भेज दिया गया। बुधवार सुबह आरोपी अदनान मंसूरी का मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पिछले दिनों एक बहुत बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिनके खिलाफ विधि सम्मत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया और उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित की गई। उक्त आरोपियों के बारे में जानकारी नगर निगम और रेवेन्यू की टीम को दी गई थी। नगर निगम की टीम और रेवेन्यू की टीम द्वारा उनके द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया गया और आज उसे हटाने की कार्रवाई नगर निगम की टीम, रेवेन्यू की टीम और पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। तीन आरोपी उसमें प्रकरण दर्ज किया गया था, कितने आरोपियों का मकान आज? हाँ, फिलहाल हमारे पास एक मुख्य आरोपी के अवैध अतिक्रमण की सूचना है, तो आज उसी को हटाया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण जब भी हटाए जाते हैं रेवेन्यू द्वारा, तब उसमें मुनादी करवाई जाती है और विधि अनुरूप नियम अनुसार उसमें मुनादी करवाई गई, उसके पश्चात ही अतिक्रमण हटाया गया।